स्टार्टिंग में आप लोग 15-15-50 थोड़ा हैवी वेट से लगाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा वेट बढ़ाते। अभी जस्ट बिठा लो बात, इसको करना बोलते हैं लोग, इसके बाद थोड़ा सा कच्चा रह गया है, बट कोई बात नहीं, खुद बनाया तो कच्चा रह चाहे पक्का रह खा लो ताम ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप लोग? तो आ चुके हैं जिम, जिम आने के बाद ट्रेनिंग दे चुके हैं, अब अपनी भी ट्रेनिंग हो चुकी है बैक बाइसेप, और आज बताने वाले हैं आर्म्स के बारे में, आर्म यूसिंग जो करते हैं उनके लिए एकदम प्रॉपर। तो चल के दिखाते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज बताएंगे कि जैसे मतलब साइज गेन करने के लिए, और अगले वीडियो में बताएंगे कि मतलब कैसे टेक्निक काम करते हैं। सबसे पहले बताएंगे साइज को कैसे गेन करते हैं। तो इसका 15-15-50 लगाएंगे, 20 का भी लगा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप लोग 15-15-50 थोड़ा हैवी वेट से लगाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा वेट बढ़ाते रहेगा। अपने दूसरे साइड रहेगी रिस्ट कर्ल, जिसे डंबल से करेंगे, इसको रॉड से भी कर सकते हैं, बट शुरू में डंबल से करेंगे। इसमें भी कम से कम 20-25 सेट निकालेगा, और इसका लगाएगा 4-5 सेट। तो अभी अपनी दूसरी एक्सरसाइज थी वाली, एक और बता रहे हैं आपको रिवर्स में, ऐसे जो हम लोग रिस्ट को ऐसे करेंगे उल्टा करके ऐसे रिस्ट को, वो भी तगड़ी एक्सरसाइज है। अभी बिगिनर के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब बता रहे हैं, अगली वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, जिसमें कि आर्म्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तो सारा केवल बताएंगे, जैसा होगा बताएंगे। अभी तो इसका 2 ही सेट हुआ है, इसका भी 3 कर लेते हैं, दोस्तों बस 3 एक्सरसाइज बताए हैं इसलिए क्योंकि जैसे बैक बाइसेप आप लोग करते हो जिस दिन, तो बैक बाइसेप के दिन आर्म्स करना चाहते हो तो इसको तीनों को ऐड कर सकते हो अपने आप। अगर बस आर्म्स की ट्रेनिंग करना चाहते हो एक दिन में एक, तो उसके लिए भी अगले वीडियो में बता देंगे कैसे क्या करना है और कितनी एक्सरसाइज करनी होगी, तो जैसा होगा अगले वीडियो में बताएंगे। और बस इसको 4 सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे रूम पे वर्कआउट करने के बाद चलते हैं खाना खाते हैं। आपको बता दें कि वर्कआउट बाद कौन सी मील लेते हैं दिखा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेते, कभी कभी दाल चावल बना लेते हैं, और नहीं तो फिर रोटी सब्जी, और नहीं तो कभी कभी आलू वगैरह उबाल लेते हैं। अभी तो मीठा आलू कल कलाए थे, थोड़ा सा बचा था उसे उबाले हैं, तो उसे खाएंगे और चना थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस मेरी मील में पहली मील यही होती है, चाहे जो भी मील मिल जाए, खाना बना खुद का बनाना होता है तो जो भी बना लेते हैं वो पहली मील अपनी यही होती है। तो और आपको बता दें कि जो अपनी बाकी एक्सरसाइज बताए हैं जिम में, बाकी आज आर्म्स का इसलिए थोड़ा सा बताया है क्योंकि बाइसेप के दिन कर रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं था। बाकी जिस दिन आर्म्स का ट्रेनिंग करेंगे उसे बस आर्म रेसलिंग का वर्कआउट बताएंगे, जिसमें हुक रहेगा, टॉप रोल भी रहेगा, मतलब जितने भी उसकी बेसिक एक्सरसाइज होती है सारा का सारा बताएंगे। तो चलते हैं अपने मिल लेते हैं और मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट मीठा आलू उबालते, इसको करना बोलते हैं लोग, इसके बाद थोड़ा सा कच्चा रह गया है, बट कोई बात नहीं, खुद बनाया तो कच्चा रह चाहे पक्का रह खा लो ताम ही पड़ेगा। ये काफ़ी दिन बाद खा रहे हैं, कल गए थे फल की दुकान पे तो वहाँ से ले लिए थे। तो आप लोग भी, आपके पास अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन ले सकते हो, मस्त वही बजट है, नॉर्मली तो देसी डाइट भाई, घर का जो चीज़ बने वो खाओ बस। सबसे भाई बढ़िया घी रोटी दूध दही तगड़ा दम लगाओ, मस्त बॉडी बनेगी। खाना खा के करते हैं ख़त्म जल्दी से और मिलते हैं नए ब्लॉग में, और ऐसे डेली ब्लॉग अपना आता रहेगा पर डे एकदम डेली, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको पसंद हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करें, मिलते हैं नए ब्लॉग में, धन्यवाद।